उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव साधु वर्ग रत्नत्रय की प्रतिमूर्ति होते हैं। शंभु दर्शन शंभु ज्ञान शंभु चारित्र ये उनके जीवन के मुख्य अंग हैं। इन्हीं के माध्यम से वह अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं और इसी के माध्यम से प्रारंभ होती है। 13 मार्च संगत मुनराज शिवानंद जी महाराज का जन्मदिवस है। वे उत्तम रीतिया धर्म ध्यान कर रहे हैं, संयम का पालन कर रहे हैं, जनशास्त्र की प्रभावना कर रहे हैं। हम आज उन्हें वासल पूर्वक आशीर्वाद देते हैं, उनका संयम वृद्धि को प्राप्त हो। जिन आराधना गुरु उपासना धर्म प्रभावना वृद्धि को प्राप्त हो, उनका संयम भी वृद्धि को प्राप्त हो, ऐश्वर्य के प्रति हमारी मंगल भावना है। और आप सभी सुनने वालों को भी वासल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। महानुभाव हमारे गुरु भाई आचार्य वसुनंद जी महाराज जी के प्रिय शिष्य शिवानंद जी महाराज जी का जन्म उत्सव मनाए जा रहे हैं। उनका जन्म 13 मार्च 1985 में हुआ था और वो बड़े मेधावी छात्र रहे, धर्म ध्यान में बड़े संलग्न रहे, हमारे साथ बहुत आते जाते रहे, धर्म ध्यान के शिक्षा लेते रहे। और जब मैं वैशाली में चतुर्मास किया था उस समय 2014 में वहां आए थे, क्षुल्लक दीक्षा लेने की बात उन्होंने की और मेरे से आशीर्वाद लेके गए थे। उसके बाद वो 2014 में क्षुल्लक दीक्षा ली आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज जी से। उन्हीं से 2014 में ही अलग दीक्षा भी ली और 2015 में उन्होंने बॉलकेड़ा में मुनि दीक्षा ली। अब वो महती धर्म प्रभावना करते हुए जैन धर्म के बहुत प्रभावना प्रचार प्रसार कर रहे, ज्ञान विज्ञान की बातें वो बहुत सीखते भी रहते, सिखाते भी रहते, हमारे पास आते जाते रहते। और उनके इस पावन जन्म महोत्सव के अवसर पर मेरा उनको मंगल आशीर्वाद है और उनको उनके विद्वत्ता बढ़े, ज्ञान बढ़े, आयु वृद्धि हो, स्वस्थ जीवन हो और आगे उत्तर उत्तर समृद्धि करते रहे, यही मेरी मंगल भावना है, ये मेरा मंगल आशीर्वाद है। ओम नमः सिद्धेभ्यः पंच परमेष्ठी भगवान की जय। श्री एकदर्श श्रीकारी देवपुरी के श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। संसार में एक कीड़े का भी जन्म होता है और कमल का भी जन्म होता है। दोनों कीचड़ में जन्म लिया करते हैं लेकिन दोनों के जीवन और मरण में और जीवन जीने के तरीके में बहुत बड़ा अंतर हुआ करता है। कीड़ा वहीं जन्म लेता है और वहीं अपनी आदत से मजबूर उसी कीचड़ के अंदर उसका मरण हो जाता है। जबकि कमल जन्म तो कीचड़ में लेता है लेकिन उस कीचड़ से उठ करके सारी जिंदगी रहता है। इसका परिणाम कि कमल का मरण कीचड़ में नहीं होता किंतु कीचड़ से ऊपर उठ करके हुआ करता है। हमारे सामने हमारे बड़े प्रिय मुनिदास हैं मुनि श्री शिवानंद सागर जी महाराज, जो कि परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज जी के वर्तमान शिष्य हैं। आज से लगभग मुझे स्मृति है शायद 2006
कि अमरकंटक वर्षा योग में एक सामान्य गृहस्थ रूप में हमारे सामने आए थे और पूरे विहार में हमारे साथ चले। उन्होंने भावना करी कि महाराज जी, मैं आपके पीछे का लेना या देना चाहता हूँ करके, और अमरकंटक वर्षा योग में उनको सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि उन्होंने आचार्य के संग में रहते हुए उस समय मुझे नवीन पिछे का भेंट करी। मैंने उसी दिन उनसे कहा था कि आपकी इतनी अच्छी भावना दिख रही है कि अभी आप किसी देने लेने का इतनी कम उम्र में भाव कर रहे हो, निश्चित रूप से आपके हाथ में नवीन पिछे का आने में ज्यादा देर लगने वाली नहीं। और उसके कुछ समय बाद मुझे ज्ञात हुआ कि अंकित भैया कृष्णा नगर दिल्ली के रहने वाले थे, उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा को धारण किया। आज दीर्घकाल उनका व्यतीत हो चुका है और अपनी दिगंबर दीक्षा को अपने नाम के अनुसार, अपने गुरु के अनुसार चलते हुए, आगमानुसार चलते हुए सार्थक कर रहे हैं। जैसे कीड़े के जैसे संसारी प्राणी अपने जीवन को व्यर्थ गवा देता है, लेकिन कमल के जैसे कीचड़ से उठकर हमारे अंकित भैया ने आज शिवानंद यह सार्थक नाम को प्राप्त किया है। हम उनके लिए यही भावना करते हैं। संसारी तो कहता है कि हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन हम उनको यह बर्थडे विश नहीं करेंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीवन की वृद्धि, सम्यक दृष्टि मरण की चाह, इन सब प्रकार की बातों से ऊपर उठता है। मैं तो उनको इतनी भावना उनके 36वें जन्मदिन पर करूंगा, क्योंकि आंकड़ा भी 36 का है, जहां पे संसार में 3 और 6 विपरीत दिशा में चले गए हैं, यानी कि अब इनके जीवन के जितने कष्ट हैं 36 के आंकड़े की तरह वे विपरीत दिशा में चले जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं उनके अवतरण दिवस पर ये शब्द प्रेषित करता हूँ, शब्द सुमन प्रेषित करता हूँ। हो संयम मय जीवन नाधि व्याधि हो संयम मय जीवन नाधि व्याधि हो, बस यही तमन्ना है तेरा मरण समाधि हो। निश्चित रूप से दीक्षा के फल को भी प्राप्त करें, दीक्षा के उद्देश्य को पूर्ण करें और रत्नत्रय की पूर्णता के साथ इस बहुमूल्य मानुष जीवन, इस बहुमूल्य दिगंबरी दीक्षा का फल प्राप्त करते हुए, वे रत्नत्रय की पूर्णता को प्राप्त करते हुए इस समाधि मरण के साधक बने। इन्हीं भावनाओं के साथ उनको मेरा प्रति नमोस्तु और बहुत बहुत स्नेह और प्रेम। ओम नमः सिद्धेभ्य। आज दिनांक 13 मार्च को शिवानंद जी महाराज जी का जन्मदिवस के उपलक्ष में हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और हमारे संघ के बहुत प्रभावक साधु हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं को इसी तरह से प्रभावना करते हुए और आगे बढ़ें। धन्यवाद दर्शनी बंधु बब्बात्माओं, बड़े ही हर्ष का विषय है, गौरव के क्षण हैं कि आप अपने गुरु, अपने आराध्य का जन्म दिवस, अवतरण दिवस मना रहे हैं। भाग्यशाली लोग, गौरवशाली लोग ही होते हैं जिन्हें गुरु का साक्षात सानिध्य मिलता है, आशीष मिलता है, और उनके आशीष तले हम उनके चरणों में बैठ करके उनकी पदरज को प्राप्त करते हैं, उनके सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न करते हैं। तो शिवानंद महाराज जी का 36वां अवतरण दिवस है। शिवानंद, शिव के आनंद अर्थात परमात्मा के आनंद को प्राप्त करें, परमानंद को प्राप्त करें, और 36 का अंक सूचित करता है कि वो 36 के आंकड़े को त्याग करके, यानी कि विरोध के, बैर के, लड़ाई के, झगड़े के 36 के आंकड़े को त्याग करके 36 के अंक को मूल गुणों के रूप में सार्थक करने के लिए अग्रसर होंगे। और शिवानंद महाराज सरल स्वभावी हैं, तत्व चिंतक हैं, जिज्ञासा है, तत्व की चर्चा करने में बड़ी रुचि है, आत्मा परमात्मा के प्रति इनकी जिज्ञासा है, गहरी प्यास है, और जिज्ञासा का मार्ग ही आत्ममार्ग को, सत्यमार्ग को प्रशस्त करता है। मैं उनके 36वें अवतरण दिवस पर यही शुभकामना करता हूँ परमात्मा से, परमपिता प्रभु से, कि वह चिरायु हों, शतायु हों, सतत सरल मन और तत्व चिंतन में मग्न रह करके आत्मा का कल्याण करें, पर का कल्याण करें, और सृष्टि के समस्त प्राणियों को धर्म का उपदेश दें, धर्म के मार्ग पर लगाएं, और स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त करके आत्मानंद, परमानंद, शिवानंद, शिव के आनंद को प्राप्त करें। ओम नमः, मेरी शुभकामना उनके साथ हैं, मेरा बहुत बहुत मंगल
सुभावना उनके। ओम नमः सिद्धेभ्य। बड़ा हर्ष का विषय है कि पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज का जन्म जयंती दिवस, और बड़ा सौभाग्य है कि इस कलिकाल में भी ऐसे मुनिराजों ने जन्म लिया है। माँ बाप के संस्कार हैं जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए, और उन संस्कारों के कारण आज गुरुओं की शरण में पहुंचकर उन्होंने जिन इच्छा को लिया है, और बहुत ही इस मार्ग पर आकर जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, जगह जगह जाकर बच्चों को जोड़ना, युवा पीढ़ी को जोड़ना, महिलाओं को आदि जोड़ना, स्वाध्याय कराना, प्रतियोगिता के माध्यम से जिस प्रकार से भी है धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, और गुरु चरणों में रहकर और स्वाध्याय आदि भी अपना स्वयं का भी बहुत अच्छा अध्ययन है, रुचि है। इसी प्रकार से जो है ये भी हमारा भी हो रहा कि दो बार 2018 में पास में ही चतुर्मास रहा, तो कई बार मिलना जुलना रहा, कई कार्यक्रमों में साथ किए, और 2019 में भी ऐसे ही पास में ही चतुर्मास रहा, और उसके बाद भी कई बार मिलना जुलना रहा है। बहुत अच्छा स्वभाव है, और जब मैं भी ब्रह्मचारी अवस्था में थे और वो भी ब्रह्मचारी अवस्था में गढ़नी आर्य का श्री माता के पास अध्ययन आने के लिए आते थे, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जिन धर्म की प्रभावना। यही भावना है कि इसी प्रकार से जिन धर्म की प्रभावना करते रहे, और उनके लिए प्रति नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु। नमोस्तु। आपका जन्म दिवस बड़ी खुशी से मनाया जा रहा है हर जगह। जो भी आपको जानते हैं वे बहुत ही आपके बारे में सोचते हैं। भगवान आप खूब अपनी दीर्घायु हो और धर्म ध्यान में लगे, आपका कल्याण हो, हर एक की भावना है। आपका जन्म दिवस है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप जैसे सन्यासी मिलना बहुत मुश्किल है। मैं यही भावना करता हूँ कि आपका कल्याण हो, मंगल हो, और आप बहुत जल्दी जन्म मरण से छूटें, यही मेरी भावना है। शिवानंद जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं, और मंगल में हो और धर्म वृद्धि हो और शुभ आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन जीवन क्षण बड़े अनमोल क्षण होते हैं। जब इस धरती पर किसी पुण्यात्मा का जन्म, पुण्यात्मा के जन्म से घर में, समाज में, देश में, प्रदेश में एक खुशियों का वातावरण स्वतः ही निर्मित हो जाता है। ऐसे ही वह भौतिकता प्रधान नगरी दिल्ली के कृष्णा नगर में 13 मार्च 1985 को एक नन्हे मुन्ने शिवालय का जन्म हुआ। जन्म से ही जिसके संस्कार बड़े ही अच्छे संस्कार थे, पूर्व जन्म के संस्कार लेकर जो इस संसार रूपी समुद्र में आया, और उन पुण्य के संस्कारों के माध्यम से अपने इस जीवन नैया को खींचे खींचे परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी पुण्याज के पावन सानिध्य में पूजा, और उस पावन सानिध्य को प्राप्त कर आज परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज के रूप में हम सबके बीच में विद्यमान हैं। निरंतर धर्म की ध्वजा को फहराते हुए अपने मोक्ष मार्ग रहे, हम उनके प्रति मंगल भावनाएं बाते हैं कि वो निरंतर इसी प्रकार जैन धर्म की ध्वजा को थामे हुए
धर्म की प्रभावनाओं करते हुए धरत तक अपने मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। साथ ही जो हमारे पुत्रों का वात्सल्य और स्नेह है निरंतर ऐसा ही बने रहे। इन्हीं सब भावनाओं के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। गुरुवार की विद्या भूषण चंद्रती शागरती महाराज जय। शिवानंद जी महाराज जी का जन्म महोत्सव एक हमारे लिए उदाहरण बनता है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जन्म को सार्थक करने वाले बिरले ही मनुष्य होते हैं। शिवानंद जी महाराज ने अपने जीवन को सार्थक किया और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए कि हे महाराज श्री, आप रत्नत्रय के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए समाधि पूर्वक अपना जीवन सफल करें, इन्हीं भावना के साथ नमोस्तु। मुनि श्री शिवानंद जी महाराज जी का 35वां जन्म जयंती समारोह है। और वैसे तो जन्म सभी लेते हैं, लेकिन जन्म उन्हीं का लेना सार्थक होता है जो मनुष्य पर्याय को धारण करके संयम को अपने जीवन में धारण करते हैं और मुख मार्ग पर आगे कदम बढ़ाते हैं। उन्हीं का संसार में जन्म लेना सार्थक होता है। शिवानंद जी ने मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर के मुनि दीक्षा धारण करके अपने आप को मोक्ष मार्ग पर लगाया है। उन्होंने अपने जीवन को वास्तव में सफल किया है। अब वो आगे बढ़ते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति करें, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करें, यही हमारी भावना है। मंगलम भगवान देवो मंगलम बुद्धम बड़ी मंगलम कुंद कुंदा तो जैन धर्मोष्टि मंगलम। महानुभाव, आज बड़े हर्ष का विषय है, मुनि श्री शिवानंद जी महाराज का 36वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बड़े ही खुशी की बात है। मुनि श्री अपने आप में योग्य हैं, प्रभावक मुनि हैं। जिस प्रकार से उन्होंने NCR, राजस्थान, गोलखेड़ा आदि स्थानों में धर्म की प्रभावना की है, वह अपने आप में बड़े अद्भुत और चमत्कृत है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी योग्यताएं उन्होंने प्राप्त की हैं और उन्हीं के ही पावन प्रेरणा से अस्थय क्षेत्र जय शांति सागर निकेतन मंडोला में चार्य चक्रवर्ती प्रथमाचार्य आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी की मूर्ति विराजमान हुई। मनोहर उद्यान वासुदेव भगवान का दीक्षा वन बना, ये सब उन्हीं की ही प्रेरणा से हुआ है। आप एवं मुनि श्री विश्वानंद जी महाराज दोनों धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। यह जोड़ी युगल मुनिराज के नाम से जानी जाती है। दोनों ही साधु प्रभावक हैं। ऐसे मुनि श्री शिवानंद जी महाराज जिनके ऊपर हमारे गुरु जी की विशेष अनुकंपा है, हमारे पूज्य वात्सल्य के धारी अविक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज, आप उनके योग्य शिष्य हैं और आपके अंदर में बहुत सारी कलाएं हैं। उनकी यदि एक एक कला का भी वर्णन करें तो बहुत समय लग जाएगा। आप कला विशारद हैं, हर चीज में आपको योग्यता और अनुभव है। छोटी सी उम्र में इतनी सारी योग्यताएं प्राप्त करना एक वास्तविकता में अपने आप में बहुत विचक्षण क्षण है। ऐसे मुनि श्री शिवानंद जी महाराज को 36वें जन्मोत्सव की हमारे जय शांति सागर परिवार एवं निकेतन एवं आचार्य विद्यासागर गौशाला ट्रस्ट कमेटी की ओर से सभी लोग सभी नमस्तु करते हैं और आपका जीवन मंगलमय हो, दीर्घ आयु हो, हम सब यही भावना भाते हैं। आपका यशस्वी जन्मोत्सव युग युगांतर लोगों के हृदय में छाया रहे, निरंतर आपकी साधना चलती रहे और निरंतर धर्म की प्रभावना करें। बोलिए चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। महाराज शिवानंद जी महाराज की जय। आपको हमारी शुभकामना जन्म दिवस पर समझे। धर्मचर्या इसी प्रकार धर्म प्रवर्तन चलता रहे, आपको सुभाशीष है। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव श्री शिवानंद जी महाराज की जय।
हे गुरुदेव, आपके चरणों में क्षुल्लक श्री भरत सागर जी महाराज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपके 36वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में भरत सागर जी के मैं क्षुल्लक भरत सागर जी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपकी उम्र बहुत लंबी हो गुरुदेव, इस पृथ्वी में आपकी बहुत आवश्यकता है जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। आप हजारों वर्ष जिए एवं मेरी उम्र आपको लग जाए, क्योंकि आपके लिए इस पृथ्वी में बहुत आवश्यकता है, जैन धर्म को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यकता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू शिवानंद जी महाराज जी। आप हमेशा खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें, फूलों की तरह महकते रहो, महकते रहें, सब पे आशीर्वाद बिखेरते रहें, आपका आशीर्वाद सब पे बना रहे। अच्छा, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सब परिवार की तरफ से। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। शिवानंद जी महाराज की अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो पूरे परिवार के। आपका स्वास्थ्य मस्त रहे, स्वस्थ रहे, और आप सबके दिलों में ऐसे ही खुश रहे। नहीं है शब्द कैसे करूं धन्यवाद, बस चाहिए हर पल आपका आशीर्वाद। कहां आज मैं, इसमें है आपका बड़ा योगदान, जिन्होंने दिया मुझे इतना ज्ञान। अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गुरुवर। शिवानंद जी महाराज के अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इन गुरुओं का हमसे एहतराम क्या होगा, इनकी गोदी से बढ़कर कयाम क्या होगा। जन्नत हुआ करती है जिन गुरुओं के कदमों में, सोचो उनके सर का मुकाम क्या होगा। मुनि श्री शिवानंद जी महाराज के अवतरण दिवस की हम सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। मुनि श्री शिवानंद जी महाराज के चरणों में नमोस्तु 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 गुरु। नमोस्तु गुरु जी, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको आपके अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। आपका रत्नत्रय कैसा है गुरु जी? तुम जैसे कोई और हमें गुरुवर न मिलेंगे, हमें छोड़ कर ना जाना, हमें भूल न जाना, तुम जैसे कोई और हमें गुरु शुभकामनाएं। बढ़ चढ़कर चूमती रहे खुशियां आपके कदम, भूल कर भी ना आए